उत्तर भारत में दोपहर 2:51 पर भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। ये झटके इतनी तेज और इतनी देर तक रहे कि इससे लोग सहम गए। लोगों के घरों में लगे पंखे और झूमर जोर जोर से हिलने लगे। आमतौर पर आने वाले भूकंप कुछ सेकंड में शांत हो जाते हैं, लेकिन ये भूकंप ऐसा था जिसे बहुत देर तक महसूस किया गया। इससे लोग इस कदर खौफजदा हो गए कि अपने अपने घरों और बिल्डिंग से बाहर निकलकर भाग आए। भूकंप के ये झटके दिल्ली NCR समेत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राजस्थान में भी महसूस किए गए। इस भूकंप का एपिसेंटर नेपाल के कांडा इलाके के नजदीक धरती से करीब 5.5 किलोमीटर की गहराई में था, जिसकी तीव्रता 6.2 दर्ज की गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि नेपाल के समय के अनुसार दोपहर करीब 2:25 पर यह भूकंप आया था। इससे इतनी तेज कंपन पैदा हुई जिससे भारत भी कांप उठा। अगर नेपाल की बात की जाए तो वहां पर इस भूकंप के कारण कई जगहों पर इमारतें और घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। नेपाल में कई जगहों से इमारतों में मोटी मोटी दरारें आने और मकानों के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। हालांकि नेपाल में इससे कितना नुकसान हुआ इसकी अभी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें बहुत से लोग हताहत हुए हैं। नेपाल में इस भूकंप के झटके 2 महसूस किए गए। यहां पहला भूकंप कुछ देर रहने के बाद शांत हो गया था, जिसके बाद भूकंप का दूसरा झटका आया तो वो काफी देर तक और काफी तीव्रता वाला भी था। नेपाल में इससे पहले तेज भूकंप 25 अप्रैल 2015 को आया था। उस समय नेपाल में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.8 दर्ज की गई थी। उस समय इसका एपिसेंटर काठमांडू के पास था। उस जबरदस्त भूकंप के बाद नेपाल में तबाही का मंजर देखा गया था। उस समय नेपाल में लगभग 6 लाख से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा था, जिसमें कई ऐतिहासिक इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। उस समय बहुत बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए थे। नेपाल में उस दौरान 9,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई थी। हालांकि उसके बाद भी नेपाल में धीमे और मध्यम दर्जे के भूकंप कई बार महसूस किए गए, लेकिन मंगलवार को आए भूकंप ने नेपाल की 2015 के तबाही वाली यादें ताजा कर दी। बताया जा रहा है कि इस भूकंप में भी नेपाल में कुछ हद तक नुकसान हुआ है, जिसकी जानकारी जुटाने में वहां का प्रशासन लगा हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। We'll be right back.